गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल स्टाइलिश स्पाई। सो अगर आपको याद होगा मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था बैडनेस पे एंड मैंने आपको वहाँ पे एक टेम्पररी सॉल्यूशन बताया था। मतलब अगर आप पार्टी में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं एंड अगर आप अपनी बैडनेस को हाइड करना चाहते हैं सो उसके लिए बहुत ही क्विक सा सॉल्यूशन था। बट मेनी ऑफ यू गाइज वर आस्किंग मी एक परमानेंट सॉल्यूशन जहाँ पे आप उसको ट्रीट कर सके। तो आज का वीडियो उसी टॉपिक से रिलेटेड है एंड टाइटल देख के आपको समझ में आ गया होगा कि टुडे आई एम गोइंग टॉक अबाउट अ ब्रांड विच इज़ नेचर श्योर एंड इसके बारे में आज आपसे बात करने वाली हूँ। इट्स एन हेयर ग्रोथ ऑयल जिसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है मेरे हेयर को यू नो ग्रो करने में, हेयर फॉल को रोकने के लिए, अगर आपको बैडनेस का इशू है उसको ट्रीट करने के लिए। सो देखो रातों रात कुछ भी नहीं होता है, एवरीथिंग टेक्स टाइम एंड अगर स्पेशली वो कोई चीज़ नेचुरल है, चाहे वो आपके स्किन के लिए है, चाहे वो आपके हेयर्स के लिए है, तो वो टाइम लेती है। सो बात करते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। सो ये इस तरीके की आपको कार्डबोर्ड पैकेजिंग में रिसीव होगा एंड ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ये है 110 ml का प्रोडक्ट एंड इट कम्स फॉर रुपीज़ आई गेस 339 विच इज़ रियली वेरी अफोर्डेबल। अगर आप कोई भी हेयर ऑयल चेक करेंगे जिसमें बहुत गुडनेस होती है, अब मैं बात करूँगी इसके इन्ग्रीडियंट्स के बारे में, सारी चीज़ें बताती हूँ आपको। इट्स रियली अ वेरी गुड ऑयल। मैंने आई गेस शायद ही ऐसा कोई हेयर ग्रोथ ऑयल देखा है जिसमें आपको सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिल रहे हैं जो ये दावा करते हैं कि वो आपके हेयर ग्रोथ को रियली यू नो इन्हांस करेंगे। मतलब आपके ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू ट्रीट योर बैलनेस। तो ये बहुत अच्छा ऑयल है। ओके सो ये जो क्लेम करता है वो ये कि आपकी हेयर ग्रोथ को इंक्रीज करेगा, हेयर लॉस को, फॉल को, बैलनेस को स्टॉप करेगा, डैंड्रफ को ट्रीट करेगा, लाइस को ट्रीट करेगा, अगर आपकी स्कैल्प में बहुत ज़्यादा फ्लेकीनेस है उसको भी ये ट्रीट करेगा, प्लस प्री मेच्योर ग्रेइंग विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके कलर मतलब आपके बालों का कलर अगर यू नो डल होना स्टार्ट हो गया है और अगर वाइट होना स्टार्ट हो गया तो उसको भी ये काफ़ी हद तक यू नो ट्रीट करेगा, आपके स्पिटेंट्स को करेक्ट करेगा, आपके हेयर्स को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज एंड दी पॉल्यूटेंट्स। आई डोंट फील कि आपने अभी तक ऐसा कोई ऑयल देखा होगा जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें एक साथ ट्रीट करने का कोई ब्रांड दावा करता है। एंड इसकी मैं अगर इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो आप आप हैरान रह जाओगे कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है। देखो इसमें है भृंगराज जो हम जानते हैं कि हेयर ग्रोथ के लिए कितना ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें तिल का तेल है, इसमें आपका धतूरा है, इसमें आपका त्रिफला है। सो इसमें सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स वो हैं। इसमें विटामिन ई है, इसमें कैल्शियम प्रोटीन्स है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, फॉस्फरस है, बी कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो यू नो जिसको आप ये बोलो कि यार नहीं कि मतलब इसका मुझे क्या फ़ायदा है। ये सारे इंग्रीडियंट्स में वो हैं जो आपके हेयर ग्रोथ को बहुत अच्छे से यू नो प्रमोट करते हैं। इसका जो एप्लीकेशन है इट्स वेरी 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 इजी। आपको रात में लगाना है और फिर इसको लगा के सो जाना है, नेक्स्ट डे आपको उसे वॉश कर लेना है। कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आपको ये ऑयल रिसीव होता है एंड एज आई सेड ये 110 ml का प्रोडक्ट है, प्लस ये सर्टिफाइड है तो आप इसको बिना सेकेंड थॉट के यूज़ कर सकते हैं। एज आई सेट कि रातों रात कुछ भी नहीं होता है, यू हैव टू गिव इट अ ट्राई फॉर एटलीस्ट अ मंथ। आप इसको एक मंथ के लिए ट्राई कीजिए, आपको रिजल्ट्स खुद ही नज़र आएंगे। आप मुझसे पूछते हैं कि मेरे बाल इतने अच्छे कैसे हैं, तो देखो एक ही दिन में मेरे बाल भी अच्छे नहीं हुए। मैं बहुत सारी चीज़ें ट्राई करती हूँ, उसके बाद कुछ टाइम के बाद ही मुझे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो यस ये ऑयल देखो मैंने यूज़ किया है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आप जब इसको नेक्स्ट डे वॉश करोगे ना आपको फर्स्ट एप्लीकेशन से ही ऑल द रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर आप बैडनेस को ट्रीट करने की मैं अगर बात करूँगी तो इट विल टेक अ टाइम। ठीक है तो यस ये ही है वो ऑयल्स के बारे में बात कर रही हूँ। एप्लीकेशन आपने साइड में देख लिया है कैसे यू हैव टू अप्लाई, बस रात में इसको मसाज कर लीजिए अपने बालों पर अच्छे से एंड इसको नेक्स्ट डे आप वॉश कर सकते हैं। एंड मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि अगर आप अपना हेयर वॉश कर रहे हैं, चाहे इट्स इन विंटर और आप समर्स में वॉश कर रहे हैं, तो देखो समर में तो आप वैसे भी आप ठंडा पानी यूज़ करते हैं, लेकिन विंटर्स में क्या होता है कि हमको ठंडा लगता है तो हम लोग बहुत ज़्यादा गर्म पानी अपने बालों के लिए यूज़ करते हैं विच इज़ नॉट गुड। अगर आपको उतना ही गर्म पानी मतलब बहुत ज़्यादा कम गर्म गुनगुना पानी जिसे आप बोलते हैं ना वो आपको लेना है अपने बालों को वॉश करने के लिए, वरना आपको हेयर फॉल का इशू और भी ज़्यादा होगा। तो ये है वो ऑयल जो भरपूर है सारे गुडनेस से, इसमें हिना भी
है, इसमें मुलेठी भी है, तो इसमें वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके हेयर ग्रोथ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, आपके हेयर लॉस को बहुत ज़्यादा प्रिवेंट करते हैं, आपकी बैल्डनेस को ट्रीट करते हैं, अगर आपके बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हैं तो उसको ट्रीट करेगा, लाइज का इशू है तो उसको ट्रीट करेगा, आपके अगर बहुत ज़्यादा स्प्लिट एंड्स हो रहे हैं तो उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करेगा। सो एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, सो गो एंड गिव इट अ ट्राई एंड अपना रिजल्ट मेरे संग ज़रूर शेयर कीजिएगा कॉमेंट सेक्शन में एंड माई इंस्टाग्राम हैंडल, सो दैट कि जो बाकी लोग हैं, जो नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्हें पता चले कि हाँ ये प्रोडक्ट सच में बहुत ज़्यादा काम का है एंड आपको इससे ज़्यादा हेल्प मिला। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी का बटन दबा दीजिएगा एंड मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टिल देन बाय, टेक केयर।